चलो भाई। अपना फ्रंट ऑफ इंडिया कभी नहीं झुकेगा। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। पॉपुलर फ्रंट की सोच को कोई नहीं मिटा सकता। अगर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने कॉल दिया तो यही सरों का समंदर इस मुमरा की सरजमीन पे उतरेगा। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा में आज रेलवे स्टेशन के पास पीएफआई ने विरोध प्रदर्शन किया है। ये विरोध प्रदर्शन जुमे की नमाज के बाद ईडी और आरएसएस के खिलाफ किया गया है। आपको बता दें कि ईडी ने पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और आरआईएफ यानी कि रिहब इंडिया फाउंडेशन के करीब 23 बैंक अकाउंट को सील कर दिया है। 2009 से अब तक पीएफआई के बैंक अकाउंट खातों में 60 करोड़ रुपए जमा किए गए थे, जिसमें से ज़्यादातर नकद जमा किए गए थे। साथ ही आरआईएफ के खातों में भी 2010 से अब तक कुल 58 करोड़ रुपए जमा किए गए थे। जांच एजेंसी ईडी के मुताबिक जो खाते सील किए गए हैं इनमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आ रहा है। वहीं पीएफआई आज विरोध प्रदर्शन मुमरा में की है और पीएफआई के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनका कहना था इस प्रदर्शन के दौरान कि पीएफआई एक सोशल जो है सामाजिक संस्था है जो लोगों के हित के लिए काम करती है, लेकिन इन्हें सिर्फ निशाना बनाया जा रहा है। और ईडी पिछले दिनों भी इस तरह की जांच की थी और एक बार फिर अब जो है ईडी ने पीएफआई और आरआईएफ के बैंक अकाउंट को करीब 23 बैंक अकाउंट को सील किया है। उसके जरिए से ये चाहते हैं कि मुसलमानों का कोई भी ऐसा संगठन कभी भी खड़ा ना हो जो इस मुल्क के अंदर मुसलमानों को इज्जत की जिंदगी दिलाने के लिए खड़ा होता है, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि बीजेपी जितनी साजिश कर ले, आरएसएस जितनी तू साजिश कर ले, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कभी नहीं झुकेगा। अरे अवाम, आप पब्लिक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ है। ये मैसेज आज बीजेपी गवर्नमेंट को, आरएसएस के उस तमाम जितने भी लोग हैं उनको हम ये देना चाहते हैं कि ना झुके हैं, ना झुकेंगे, ना डरे हैं, ना डरेंगे। अपनी आखिरी सांस तक इंसाफ की जद्दोजहद को इस मुल्क के अंदर कायम करके रहेंगे। वो ईडी जो झूठे इल्जाम लगाती है, 2020 में इसने कहा था कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अकाउंट में 120 करोड़ आए हैं, वो ईडी आज कहती है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में के अकाउंट के अंदर 15 साल के अंदर 60 लाख रुपया है। ये कौन सी तुम्हारी दोगलापंती है? हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप इंसाफ की इस तहरीक को नहीं रोक सकते। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का अगर आप नाम मिटाना चाहते हैं तो आप सिर्फ नाम मिटा सकते हैं, पॉपुलर फ्रंट की सोच को कोई नहीं मिटा सकता इंशाल्लाह। दूसरा, हम ये बीजेपी सरकार को मैसेज देते हैं कि तुमने हमको हर तरीके से ट्राई किया रोकने के लिए, एनआईओ को भेजा, एटीएस को भेजा, हर एजेंसी को हमारे पीछे लगाया। पॉपुलर फ्रंट 32 साल से इसको टैकल करते हुए आ रही है, आगे भी टैकल करते रहेगी। इसके लिए जो कुछ करना पड़े हम जरूर करेंगे। दूसरा एक मैसेज आवाम तक देते हैं कि अगर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने कॉल दिया तो यही सरों का समंदर इस मुमरा की सरजमीन पे उतरेगा इंशाल्लाह। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया।